हाय स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अभी तक हमारा हीलियम प्लस Hg2 प्लस जो मॉलिक्यूल था वहां तक हो चुका था। MOT की LCO अप्रोक्सीमेशन में कम्प्लीटली बता चुका हूँ, आपको डायग्राम बता चुका हूँ, कब AMO बनेगा, कब BMO बनेगा, कितने बनेंगे कितने नहीं बनेंगे। अब हम बात करेंगे लिथियम से लेके Li2 मॉलिक्यूल से लेके Ni2 मॉलिक्यूल तक की। उसमें मैंने आपको बता दिया कि Hg2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू MOT। MOT के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर वहां पे जीरो रहता है। हम बात कर रहे हैं लिथियम से लेके नियॉन मॉलिक्यूल तक, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी ऑर्डर आता है किनका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, वो एक फिक्स पैटर्न पे होता है। जिस टाइप से एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है उसी के बेस पे होता है। हम बात कर रहे हैं Li2 मॉलिक्यूल की। सबसे पहले 6 नंबर पे Li2 मॉलिक्यूल, वही लिथियम के दो एटम हमने उठाए हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन लिया 1s2 2s1 1s2 2s1। लिथियम के केस में इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ले लिया, यहाँ पे लिथियम का एक एटम यूज कर लिया, यहाँ पे लिथियम का दूसरा एटम है। लिथियम का 1s ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा होती है, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू दिस। इसी टाइप से इस लिथियम के में भी 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, जो कि 1s की एनर्जी लगभग सेम होगी, सेम है, और 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इसमें है। ये 1s से मैंने आपको बताया होमो न्यूक्लियर अगर ए टाइप का एटम है मॉलिक्यूल बनता है, या फिर Li बन रहा है, या बी टाइप का मॉलिक्यूल बनता है, तो उस कंडीशन में केवल 1s से कॉम्बिनेशन करेगा, 2s से करेगा, 1s 2s से कॉम्बिनेशन नहीं करेगा, या 2s 1s से कॉम्बिनेशन नहीं करेगा, या फिर 2s p से नहीं करेगा, या फिर 2s यहाँ पे p से नहीं करेगा। और भी अगर एटॉमिक ऑर्बिटल होते जिनमें इलेक्ट्रॉन होते, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दो ऑर्बिटल बनेंगे। ये दिखा दिया मैंने, ये सिग्मा 1s होगा और ये सिग्मा 1s स्टार होगा। उसी टाइप से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक ऑर्बिटल ये है, एक ये है, ये MOs है, ये सिग्मा 2s है क्योंकि 2s 2s से बना है, और ये सिग्मा 2s स्टार है, एंटी बॉन्डिंग है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठा लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग हो जाएगी। इसका इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन देंगे हम मॉलिक्यूल का, तो इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन इसका क्या जाएगा, ध्यान देना, 1s सब सेल या 1s सेल कंप्लीटली फिल है, और s को फर्स्ट सेल को हम नाम देंगे k सेल, कौन सी सेल है ये, k, और यहाँ पे स्टार्ट हो गई सेकेंड सेल, इसलिए k फुल फिल होने के लिए इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन में हम लिखेंगे KK, या फिर यहाँ KK की जगह लिख सकते हैं हम सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा 1s स्टार 2, ये भी लिख सकते हैं। सिग्मा 1s में दो है, सिग्मा 1s स्टार में दो इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी ऑर्डर बढ़ रहा है इसलिए कोमा लगा सकते हैं, या फिर इन दोनों की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, के फर्स्ट साइड के लिए, फिर कोमा लगा दिया, कोमा के बाद सिग्मा 2s2, दो इलेक्ट्रॉन थे इसमें। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी डायमैग्नेटिक हो जाएगी, क्यों, क्योंकि MOs में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कैसे होगी डायमैग्नेटिक। इसके बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा वो हाफ इंटू Nb-Na। BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये भी BMO है और ये भी BMO है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, देन व्हिच इज हाफ इंटू 4 माइनस ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, ABMO केवल ये है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, 2 व्हिच इज 1, यानी वी कैन से अकॉर्डिंग टू MOT लिथियम एंड लिथियम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड की नेचर सिग्मा टाइप की होगी क्योंकि सिग्मा 2s वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसने बॉन्ड बनाया, इसने कैंसिल कर दिया क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे, बॉन्ड इसकी वजह से बना हुआ है, बॉन्ड की नेचर कैसी होगी, सिग्मा बॉन्ड ऑर्डर पर आता है और सिग्मा बॉन्ड इसमें बनता है। इसी टाइप से मैं बात करूं 7th पे Li2+ मॉलिक्यूल की, तो हमें क्या करना है, डायग्राम यही आएगा लगभग, एक लिथियम लेना है और एक लिथियम प्लस, लिथियम प्लस में 2s में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे तो यही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे यही रहेंगे, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में अगर देखें तो यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है, 2 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगी, KK सिग्मा 2s 1
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी एल आई टू प्लस की, पैरामैग्नेटिक। वाई क्यों हो जाएगी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट है। बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका 3 - 2, 1, 2 and 3, ये भी एमोन में और 2 एंटीबॉन्डिंग में है, 3 - 2 विच इज 0.5। तो एल आई टू प्लस के लिए हम क्या दे सकते हैं कि एल आई टू प्लस फॉर्म तो हो जाएगा, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कैसा रहेगा उसका, हाफ लिथियम और लिथियम प्लस के बीच में हाफ बॉन्ड आएगा और बॉन्ड के नीचे सिग्मा होगी, मींस एक इलेक्ट्रॉन का ही यहाँ पे शेयरिंग हो रखी है, तो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर सकते हैं यहाँ पे करके सर। नेक्स्ट बेरिलियम B2, B2 मॉलिक्यूल, दो एटम लगे एक बेरिलियम का और दूसरा भी बेरिलियम का, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2, इसके भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2, वही इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर यूज कर लेंगे, इंक्रीजिंग एनर्जी है। एक हमने बेरिलियम का एटम ले लिया, दूसरा भी हमने बेरिलियम का एटम ले लिया, यहाँ पे इसका 1s था और यहाँ पे इसका 2s है, इसी टाइप से इसका 1s भी यहाँ पे है और इसका 2s यहाँ पे है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी दो हैं और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि फुल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, इससे कौन सा बनेगा, सिग्मा 1s एंड सिग्मा 1s स्टार, इससे भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक BMO होगा और एक ABMO होगा, ये BMO है ये ABMO है, विच इज सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2s स्टार, क्योंकि 2s से बने हुए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 2 and 2 and 2 and 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी फिलिंग इस टाइप से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, बट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ये MOs बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आ गया इसका KK, फर्स्ट सेल के लिए दे दिया इसके लिए हमने KK, सिग्मा 2s 2 एंड कोमा सिग्मा 2s स्टार 2, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर ये मॉलिक्यूल बनता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी डायमैग्नेटिक होगी, Y क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा हो गया डायमैग्नेटिक। एंड बॉन्ड ऑर्डर अगर इसका हम देखते हैं तो हाफ इंटू एनबी माइनस एन ए, विच इज बीएमओ में 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन है और एबीएमओ में भी 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स 4 - 4 / 2 विच इज 0, यानी B2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू VBT, सॉरी अकॉर्डिंग टू MOT, वाई क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर दोनों के बीच में क्या आता है, 0 आता है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं 9th नंबर पे, B2 प्लस की या B2 माइनस की, मैं प्लस की बात कर रहा हूं, माइनस की भी हम बना सकते हैं, एक प्लस ले लिया हमने, यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक बेरिलियम ले लिया, एक बेरिलियम प्लस ले लिया, तो यहां का इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 and 7 केवल इस टाइप के इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आएगी इसकी, KK सिग्मा 2s 2 सिग्मा 2s स्टार 1 y1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, डायमैग्नेटिक जगह भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग के अंदर। बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा हाफ इंटू 4 1 2 3 4 - 3 1 2 and 3, तो माइनस में यहां 3 आएगा, देन बॉन्ड ऑर्डर इसका हो गया 1/2, यानी कि B2 प्लस एग्जिट करेगा और एग्जिस्ट करेगा उसके बीच में दोनों बेरिलियम के बीच में हाफ बॉन्ड रहेगा और बॉन्ड की नेचर सिग्मा टाइप की होगी, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, ये दो इलेक्ट्रॉन इस दो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करके ये दो इलेक्ट्रॉन इस दो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर चुके हैं, इन्होंने बॉन्ड बनाया इन्होंने तोड़ दिया, इनसे जो बॉन्ड बना उनमें से एक ने इलेक्ट्रॉन ने तोड़ दिया, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना, इसलिए बॉन्ड की नेचर कैसी होगी हाफ ऑफ नेचर कैसी है सिग्मा, यानी बी प्लस मॉलिक्यूल बनता है। अब हम बात कर रहे हैं बोरोन से लेके नियॉन तक के मॉलिक्यूल्स की, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, तो ध्यान देना यहाँ पे बोरोन से नियॉन तक जब हम चलेंगे तो एनर्जी ऑर्डर के दो पैटर्न हो जाते हैं, यहाँ पे sp 2s और 2p कपलिंग होती है, पहले मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ।
एक्चुअल में इनिटी ऑर्डर ये आएगा क्योंकि पी ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट कर लेंगे, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर मॉलिक्यूल्स का ये आना चाहिए कि यहां पे 1s, यहां पे 2s और यहां पे 2p, p में तीन ऑर्बिटल होंगे, यहां पे 1s, यहां पे 2s और यहां पे 2p, तीन ऑर्बिटल होंगे इसमें। ये कंडीशन होगी, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है, B22, Ne2 की बात कर रहा हूं मैं, बोरॉन डायटोमिक से नियॉन डायटोमिक तक की, तो उसमें S भी आता है, S भी आएगा और P भी आएगा, 1s, 2s और 2p। तो इस कंडीशन में 1s 1s के साथ कॉम्बिनेशन करेगा, दो ऑर्बिटल बनाएगा, इस कंडीशन में भी 2s 2s के साथ कॉम्बिनेशन करेगा, दो ऑर्बिटल बनाएगा, इस कंडीशन में यहां पे ये 6 ऑर्बिटल बनाएंगे, क्यों, क्योंकि 3 3 के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, उसी टाइप से 6 ऑर्बिटल बनेंगे, यहां पे 3 बॉन्डिंग होंगे, बीएमओ होंगे और 3 एबीएमओ होंगे, 3 प्लस 3 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो 6 बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एमओज हैं, ये एओज हैं, अब 6 में से 3 क्या होंगे बीएमओ और 3 क्या होंगे एबीएमओ, आधे बीएमओ होते हैं आधे एबीएमओ होते हैं, बीएमओ में भी जो जेड एक्सिस यूज कर रहे हैं तो पीजेड पीजेड से सिग्मा पीजेड बनेगा और एट पीएक्स पीएक्स या फिर पीवाई पीवाई से पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहां पे एक कंडीशन है ध्यान देने की है, वो कंडीशन इस टाइप से तीन ऑर्बिटल्स का हो जाएगा, कपलिंग होगी और कपलिंग की वजह से ऐसा होगा, तीन ऑर्बिटल यहां पे होंगे जो कि पाई बना रहे हैं और एंटी बॉन्डिंग है ये और ये बॉन्डिंग है, यहां पे पाई 2px पाई 2py बॉन्डिंग है, ये पाई 2px एंटी बॉन्डिंग है, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग है, यहां पे ये है सिग्मा 2pz और ये है सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, यानी कि ये बॉन्डिंग है दोनों, इनके एंटी बॉन्डिंग ये दोनों है, ये बॉन्डिंग है एक और इसका एंटी बॉन्डिंग ये है, दिख रहा होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, एक कंडीशन बनती है ये और एक कंडीशन ये बनती है, ध्यान देना, यहां पे हमने 1s लिया 2s लिया 2p लिया, वन एस के कॉम्बिनेशन से तो वही 1s बनेगा, 2s के कॉम्बिनेशन से वही 2s बनेगा और 2p के कॉम्बिनेशन से वही 6 ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक यहां पे, दो यहां पे, दो यहां पे और एक यहां पे, एक कंडीशन ये बनती है। केवल चेंज क्या हुआ वो ध्यान देना, चेंज ये हुआ है कि यहां पे ये ऊपर है और यहां पे ये नीचे है, बाकी सब कॉन्स्टेंट है, यहां पे जो दो ऑर्बिटल बने दिस एंड दिस, this and this, तो ये तो है सिग्मा 1s, ये सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, ये है सिग्मा 2pz बॉन्डिंग और ये है सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, ऊपर वाला तो सेम है, ये है पाई 2px पाई बनाएगा, ये पाई 2py बॉन्डिंग है, ये पाई 2px एंटी बॉन्डिंग है और ये पाई 2py एंटी बॉन्डिंग है। कंडीशन ये है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे sp 2s 2p कपलिंग होती है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और यहां पे 2s 2p कपलिंग नहीं होती है। या फिर हम इसको sp कपलिंग भी बोल सकते हैं। होता क्या है इसके कंडीशन में कि 2s और इसका जो 2pz है वो आपस में एनर्जी बहुत डिफरेंस कम होता है, ये ऐसा कब होगा जब एनर्जी डिफरेंस लिस्ट हो, और लिस्ट एनर्जी डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि S और P भी आपस में थोड़ी सी कपलिंग कर जाते हैं, थोड़े से मिक्स हो जाते हैं, यानी कि यहां पे जो 2s एंटी बॉन्डिंग बना या फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने वो कंप्लीटली S से नहीं बने, उसमें कुछ करेक्टर P के रहेंगे, और यहां पे जो सिग्मा 2pz बना ये वाला और एंटी बॉन्डिंग
इसमें भी कुछ करेक्टर किसके रहेंगे, एस के रहेंगे, कंप्लीटली 100% कौन सा नहीं है, पी से नहीं बना हुआ है, और कंप्लीटली 100% किससे नहीं बने हुए, किससे नहीं बने हुए, एस से नहीं बने हुए, इस कंडीशन में जब दोनों की एनर्जी में कम डिफरेंस है। इस कंडीशन में जब दोनों की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस है, उस टाइम इसका इसके साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहता और इन दोनों के बीच में कपलिंग नहीं होती, उस टाइम ये वाला जो बना हुआ है सिग्मा 2PZ, इसकी एनर्जी, या फिर हम ये कहें कि इसके अंदर पी 100% प्योर पी से बना हुआ है, और ये जो बने हुए हैं 100% प्योर किससे बने हुए, एस से बने हुए। यानी कि जब एस पी कपलिंग होती है तो कम एनर्जी होती है, उस टाइम एस के अंदर पी करेक्टर आ जाता है पीजेड से, और पी के अंदर एस करेक्टर आ जाता है किससे, एस से। तो 2S और 2PZ के बीच में कपलिंग होती है, जिसकी वजह एनर्जी कम होने की वजह से दोनों के अंदर एस और पी करेक्टर डेवलप हो चुके होते हैं। इसमें पी करेक्टर डेवलप हो गए और इसमें कौन से करेक्टर डेवलप हो चुके हैं, एस। एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा होता है तो कपलिंग नहीं होती है। यानी कि इन दोनों के बीच में, कौन कौन से दोनों के बीच में, 2PZ और 2S के बीच में एनर्जी डिफरेंस हायर है, हायर एनर्जी डिफरेंस की वजह से इन दोनों के बीच में कोई कपलिंग नहीं होती। कपलिंग नहीं होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिग्मा 2PZ के अंदर जो बना हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसमें प्योर पी करेक्टर होंगे, और सिग्मा 2S एंटीबॉन्डिंग या सिग्मा 2S बॉन्डिंग जो बने हुए हैं उसमें प्योर एस करेक्टर होंगे। तो यहाँ तो प्योर एस के अंदर एस करेक्टर है, प्योर पी के अंदर पी करेक्टर है, यहाँ 2S के अंदर कंप्लीटली प्योर एस करेक्टर नहीं है, कुछ पी करेक्टर डेवलप हो गए, और यहाँ पे सिग्मा 2PZ जो एंटीबॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हुए हैं उनमें 100% प्योर पी करेक्टर नहीं है, कुछ करेक्टर एस डेवलप हो चुके हैं। तो कंडीशन क्या आती है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी ये बताती है कि एनर्जी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। ध्यान दो, ये सिग्मा 1S, ये सिग्मा 1S स्टार है, ये सिग्मा 2S है, ये सिग्मा 2S स्टार है, और ये सब कुछ है। तो एनर्जी का ऑर्डर इस टाइप से होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स में इस टाइप से हो जाता है। कुछ मॉलिक्यूल किन में होता है, ये B2 में होता है, C2 में होता है, और N2 में होता है। नाइट्रोजन के बाद जो ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उस कंडीशन में वो ऑर्डर होगा, यानी O2, F2, Ne2 में ये ऑर्डर होगा, और B2, C2 और N2 में ये ऑर्डर होगा। यानी कंडीशन ये आती है, ध्यान देना, ऑन बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होता है, एनर्जी ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, सबसे कम सिग्मा 1S का होता है, फिर सिग्मा 1S स्टार का होता है, फिर सिग्मा 2S का होता है, फिर सिग्मा 2S स्टार का होता है, फिर सिग्मा 2PZ का होता है, फिर पाई 2PX का होता है, और पाई 2PY का सेम एनर्जी होता है इसलिए बराबर लगा देंगे दोनों के बीच में, फिर आता है पाई 2PX एंटीबॉन्डिंग, फिर पाई 2PY एंटीबॉन्डिंग, इन दोनों की भी सेम एनर्जी होती है, ये दोनों डीजनरेट है, सेम एनर्जेटिक है, और ये दोनों भी क्या है, डीजनरेट है। इसके बाद आता है ऑर्डर सिग्मा 2PZ एंटीबॉन्डिंग का, ऐसा ऑर्डर आना चाहिए। इन दोनों को हम KK लिख देते हैं, और फिर होता है फर्स्ट शेल है, ध्यान देना इनको हम LL नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी सेकंड सेल है और ये भी सेकंड सेल है, ये पूरी सेकंड सेल है, इसलिए इसको हम LL नहीं लिखा। जब हम थर्ड केस लेंगे 3S और 3P का, उस टाइम इनको हम कंप्लीटली फिल होंगे तो LL यूज कर लेंगे, तो अभी LL यूज नहीं करेंगे। तो ये ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि when SP और 2S 2P coupling not take place तब ये ऑर्डर होता है। यानी कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, यहां पे होगा, मैं 2S से यूज कर रहा हूं, सिग्मा 2S, ये एनर्जी ऑर्डर होगा सिग्मा 2S एंटीबॉन्डिंग का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं, ये एनर्जी ऑर्डर होगा किसका, सिग्मा 2PZ का, दिस, ये एनर्जी ऑर्डर होगा, ये पाई 2PX, पाई 2PY का होगा, ये एनर्जी ऑर्डर होगा, ये पाई 2PX एंटीबॉन्डिंग, पाई 2PY एंटीबॉन्डिंग का होगा, और ये एनर्जी ऑर्डर होगा, ये सिग्मा 2PZ एंटीबॉन्डिंग का होगा। ये एनर्जी ऑर्डर थे कब, जब कपलिंग नहीं, लेकिन जैसे ही कपलिंग हो जाती है तो होता क्या है,
कि ये तो एसपी कपलिंग नॉट टेक प्लेस, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तब वोट होगा, लेकिन जब एसपी कपलिंग होगी तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो सिग्मा 2p जेड और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग है इनमें पी कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से इनका एनर्जी लेवल कुछ घट जाता है और जो पाई सिग्मा 2p जेड था दिस, इसमें कुछ एस कैरेक्टर आने की वजह से इसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, यानी कि इसका एनर्जी लेवल कुछ घट जाएगा ये कंडीशन रहेगी, इसका एनर्जी लेवल भी कुछ घट जाएगा ये कंडीशन रहेगी, इसका कुछ बढ़ जाएगा इसका वही रहेगा, इसका भी वही रहेगा और इसका भी वही रहेगा, यानी एनर्जी लेवल घटने की वजह से एक ऑर्बिटल यहां आ गया एक ऑर्बिटल यहां आ गया, इनका कम हुआ है, देन इट इज सिग्मा 2s, इट इज सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, इट इज पाई 2px पाई 2py, इसका ऑर्डर ये आ चुका है सिग्मा 2p है, इसका वही रहेगा पाई 2px एंटी बॉन्डिंग एंड पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, एंड इसका यही ऑर्डर रहेगा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, यानी हुआ क्या कपलिंग की वजह से ये आ गया वेन 2s 2p कपलिंग टेक प्लेस, और कब होगी 2s 2p कपलिंग, जब 2s और 2pz ऑर्बिटल्स की एनर्जी में गैप कम होगा, और ऐसी कंडीशन किसमें बनेगी ये ऑर्डर की, ये बनेगी किसमें बेरिलियम सॉरी बोरॉन B2, C2 और N2 की कंडीशन में। अब कई बार पूछा गया ये C2 में होता है और N2 में भी होता है और B2 में भी होता है, क्यों होता है, क्योंकि 2s और 2pz के बीच में एनर्जी कम होती है, तो होगा क्या कि एनर्जी का ऑर्डर बदल गया, ये ऑर्डर चेंज हो गया, 2pz यहां चला गया और ये यहां पे आ गया, यानी कि इनका एनर्जी लेवल नहीं बदला केवल 2pz का एनर्जी लेवल बदला है, हुआ क्या ऑर्डर चेंज हो गया, यानी कि जब नहीं होगा तो कौन सी कंडीशन में होगा, ये तो किसके लिए है B2 C2 N2 के लिए, ये है O2 F2 Ne2 के लिए, और अगर डायटॉमिक हेट्रोन्यूक्लियर एटम इसमें ऑक्सीजन या फ्लोरीन प्रेजेंट है तब भी यही ऑर्डर होगा, इन कंडीशन एक है स्पेक्ट्रोस्कोपी यही बताती है कि ये ऑर्डर होना चाहिए, फिर भी कपलिंग की वजह से ये ऑर्डर हो जाता है इन मॉलिक्यूल्स में, और क्वेश्चन कई बार IIT में पूछा गया है कि C2 और N2 मॉलिक्यूल में अगर कपलिंग नहीं होती तो ऑर्डर क्या होता, इलेक्ट्रॉन किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होते, तो C2 के अंदर पूछा गया 2-3 बार क्वेश्चन है, तो कपलिंग नहीं होती तो ऑर्डर ये लगाओगी, कपलिंग होती है तो ऑर्डर ये लगाओगी, क्वेश्चन पूछा गया कि ऑक्सीजन में अगर कपलिंग हो जाती तो क्या ऑर्डर होता, तो ऑक्सीजन में कपलिंग होती तो ये ऑर्डर होता, कपलिंग नहीं होती है तो ये ऑर्डर होता, यानी इन केस ऑफ कपलिंग इन केस ऑफ 2s 2pz कपलिंग कंडीशन क्या है, व्हेन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2s एंड 2pz इज लीस्ट देन सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2s स्टार हैविंग सम पी कैरेक्टर and sigma 2pz and sigma 2pz star having some s character, kuch s character rakhte hain, means sigma 2s and sigma 2s star are not formed by pure s orbitals and sigma 2pz and sigma 2pz antibonding are not formed by pure p orbitals, after coupling energy of sigma 2s and sigma 2s star decreased and sigma 2pz
एंड सिग्मा 2PZ सिग्मा 2PZ की बात कर रहा हूं मैं, इंक्रीज्ड विच इज ग्रेटर देन π2px एंड π2py कपलिंग के दौरान इससे ज्यादा हो जाती है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, पहले तो KK आ जाएगा फर्स्ट सेल के लिए, देन कपलिंग के बाद ऑर्डर होगा दिस सिग्मा 2s स्टार π2px π2py, इससे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी सिग्मा 2pz की एंड π2px एंटी बॉन्डिंग π2py एंटी बॉन्डिंग, ये तो डिजनरेट ही रहेंगे एंड सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, यानी कि ये जो एनर्जी ऑर्डर है यहाँ पे मैं KK लिखूं तो यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर था KK सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार सिग्मा 2pz एंड दिस, यहाँ पे ऑर्डर होगा KK सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार π2px π2py फिर आएगा सिग्मा 2pz। तो ऐसी कंडीशन कपलिंग के दौरान होती है और ऐसी कंडीशन कपलिंग से कपलिंग नहीं होती तब होती है। तो कंडीशन अगर दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। अब हम बात कर रहे हैं B2 मॉलिक्यूल्स। 10th B2 मॉलिक्यूल, दो बोरॉन के एटम है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1 है, 1s2 2s2 एंड 2p1 है। सबसे पहले वही इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ले लिया हमने, इसी मॉलिक्यूल में बता दूंगा मैं, यहाँ पे बोरॉन लिया है, यहाँ पे भी हमने बोरॉन लिया है, इसका 1s ये है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसका 2s ये है जिसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, और इसका 2p ये है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है 1 एंड 2, इसका भी 1s ये है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 2s ये है जिसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसका 2p ये है जिसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन में कपलिंग होगी। अभी बताया हमने बोरॉन मॉलिक्यूल में कपलिंग होती है, तो एनर्जी ऑर्डर इस टाइप से होगा कि इससे दो ऑर्बिटल बनेंगे, इससे भी दो ऑर्बिटल बनेंगे, ओवरऑल एनर्जी कम रहेगी, इससे 6 ऑर्बिटल बनेंगे जिसमें से ये दोनों यहाँ पे और एक यहाँ पे रहेगा, 2 यहाँ पे रहेंगे और 1 यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कपलिंग हो रखी है। ऑर्डर क्या हो गया, एक ऑर्बिटल ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, सिग्मा 2pz ऊपर रहेगा क्योंकि बोरॉन का एग्जांपल है, बोरॉन कार्बन और नाइट्रोजन के केस में ये ऑर्डर रहेगा। तो उस कंडीशन में ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा 1s स्टार है, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा 2s स्टार है, ये π2px है, ये π2py है, ये सिग्मा 2pz है, ये π2px एंटी बॉन्डिंग है, ये π2py एंटी बॉन्डिंग है, और ये सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग है। ये डायग्राम बन गया, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे हम। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इस टाइप से होगी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि डिजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, सेम एनर्जेटिक है, तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे फिर पेयरिंग होगी। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या आई, KK फर्स्ट सेल के लिए हमने रिप्रेजेंट किया KK, सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार 2 π2px1 व्हिच इज इक्वल टू π2py1, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आ गया, 2, 2, 2, 2 एंड 1, 1। इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये पैरामैग्नेटिक हो गया, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो म्यू हो गया इसका रूट ऑफ 2 × 2 + 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, व्हिच इज रूट ऑफ 8 व्हिच इज 2.83 बोर मैग्नेटॉन, बोर ऑर्डर इसका हो गया 1/2 × Nb − Na, इसी में सारा चेंज कर देंगे हम। बोर ऑर्डर कितना हो गया, BMO में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1/2 × 6 माइनस ABMO में 1, 2 एंड 3, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 which is 1, यानी बोरॉन और बोरॉन सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं और सिंगल बॉन्ड की नेचर पाई टाइप की होगी, सिग्मा और सिग्मा आपस में कैंसिल हो गए, सिग्मा और सिग्मा आपस में कैंसिल हो गए, इलेक्ट्रॉन केवल पाई में प्रेजेंट है,
तो ये जो सिंगल बॉन्ड बना है पाई बॉन्ड होगा, या आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से मॉलिक्यूल के अंदर एक सिंगल बॉन्ड है और वो पाई बॉन्ड है अकॉर्डिंग टू एमओटी। एमओटी के अकॉर्डिंग बॉन्ड की नेचर कैसे है, पाई, सिग्मा में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसमें एसपी कपलिंग हो रही है। नेक्स्ट बी टू प्लस अगर लेते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हम, उस कंडीशन में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता, सब कुछ आ जाता, पैरामैग्नेटिक होता है भी क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन उसमें भी होता। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ 11th नंबर पर मैं सी टू मॉलिक्यूल की, इसे मैं चेंज कर रहा हूँ C2 मॉलिक्यूल का अगर केस देखते हैं तो यहां पे मैंने दो कार्बन ले लिए, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन 1s2 2s2 n2p2 है, इसकी भी 1s2 2s2 n2p2 है, यहां पे भी मैंने कार्बन पुट कर दिया, डायग्राम वही रहेगा क्योंकि इसमें भी कपलिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ा दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ा दिया, टोटल यही डायग्राम आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12, देन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन के सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 पाई 2px2 एंड पाई 2py2। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक, व्हाई डायमैग्नेटिक क्यों होगा ये, क्योंकि यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, प्रॉपर्टी कैसी होगी इसकी, डायमैग्नेटिक होगी। बॉन्ड ऑर्डर अगर इसका देखते हैं हम, हाफ इंटू एनबी माइनस एनए, तो बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 विच इज हाफ इंटू 8 माइनस एबीएमओ में 1 2 एंड 3 4 4 विच इज 2, यानी कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर दो आ गया, डबल बॉन्ड के अंदर दोनों ही बॉन्ड पाई होंगे। क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया कि C2 के अंदर ग्राउंड स्टेट में जो डबल बॉन्ड बनता है, ये ग्राउंड स्टेट है इसकी अकॉर्डिंग टू एमओटी, ग्राउंड स्टेट में क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में तो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ग्राउंड स्टेट में जो डबल बॉन्ड बनता है उनमें दोनों बॉन्ड कौन से होते हैं, पाई, क्योंकि दोनों इन इलेक्ट्रॉन से ये कैंसिल हो गए, इनसे ये कैंसिल हो गए, इन चार इलेक्ट्रॉन की वजह से दो बॉन्ड बने हुए हैं, और दोनों बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल्स की वजह से, पाई की वजह से, इसलिए दोनों बॉन्ड्स की नेचर कैसे होगी, पाई, और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसी टाइप से नेक्स्ट हम बात करें 12th नंबर पे N2 मॉलिक्यूल की, तो दो एटम यूज किए हमने नाइट्रोजन के, एन 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 1s2 2s2 n2p3 1s2 2s2 n2p3, तो यहां पे भी हमने नाइट्रोजन वाली एटम ले लिया, यहां पे भी नाइट्रोजन एटम ले लिया, कपलिंग इसमें भी होगी, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए किसने इसके पास, 7 and 7 14 इलेक्ट्रॉन, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 टू पी जेड में भी इलेक्ट्रॉन आ गए। देन व्हाट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, के सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s*2 पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 कोमा सिग्मा 2pz2 पीपी कपलिंग है, इसमें एसपी कपलिंग है, तो ये आ गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी होती है डायमैग्नेटिक, और बॉन्ड ऑर्डर अगर इसका हम देखते हैं तो हाफ इंटू एनबी माइनस एनए बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, बीएमओ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन है, ये भी बीएमओ है, वो एबीएमओ है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ इंटू 10 माइनस एबीएमओ में 1 2 एंड 3 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 विच इज 3, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में अगर देखें तो वीबीटी भी ये बताती है कि एक सिग्मा होता है दो पाई होते हैं, और एमओटी भी ये बताती है कि एक सिग्मा होता है दो पाई होते हैं, इसकी वजह से कोई बॉन्ड नहीं बना क्योंकि इसने ब्रेक कर दिया, इसकी वजह से कोई बॉन्ड नहीं है क्योंकि इसने ब्रेक कर दिया, तीन बॉन्ड बने हुए हैं इन 6 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन बीएमओ में, एबीएमओ में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में दो तो पाई बॉन्ड बन रहे हैं और एक कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, यानी कि एक बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा है और दो बॉन्ड कैसे है, पाई बॉन्ड है, अकॉर्डिंग टू एमओटी एंड वीबीटी बोथ, दोनों के अकॉर्डिंग ऐसा है। नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल हो गए इस लेक्चर में, नेक्स्ट में हम ऑक्सीजन और उससे आगे के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। समझ आ ही गया होगा एसपी कपलिंग क्या है, B2, N2 और C2 तीनों के अंदर sp कपलिंग होती है, B2 और C2 के अंदर टोटल पाई बॉन्ड बनते हैं,
सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है ग्राउंड स्टेट में अगर देखे तो। नाइट्रोजन में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। समझ आ गया होगा। शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।